Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लगा दे। जानती हूँ तुम्हें तकलीफ हुई है, मगर ये बात मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ। अपनी आंखें खोलो शगुफ्ता, और जितनी जल्दी हो सके इस तंजीला को आतिर की जिंदगी से दूर निकाल फेंको। तो क्या मामा तंजीला का सच में अपने कजन के साथ अफेयर चल रहा था? हो भी सकता है, मगर मुझे शगुफ्ता ने खुद बताया था कि उसने और नौरीन ने मिलकर तंजीला को और इसके कजन को लेके बदनाम किया था। इसके बाद शगुफ्ता ने तंजीला को घर से भी निकाल दिया था, मगर रफीक भाई उसे फिर वापस ले आए। तब आतिर काफी हद तक तंजीला से बदगुमान हो चुका था। ये तस्वीर शगुफ्ता को दिखा के मैंने फिर से तंजीला के लिए उसके दिल में बदगुमानी पैदा कर दी है। अब बस किसी दिन शगुफ्ता तंजीला को हमाद के साथ देख ले, फिर समझो तंजीला हमेशा हमेशा के लिए इस घर से, आतिर के दिल से, बल्कि उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। और फिर मैं शगुफ्ता को किसी ना किसी तरह मना के आतिर की शादी तुमसे करवाऊंगी। मुझे लगता है कि आतिर नहीं मानेगा मामा, तंजीला को इतना चाहता है वो। मानेगा, जरूर मानेगा, और अगर ना भी माना तो क्या, मैं कुछ और सोच लूंगी। मगर किसी कीमत ये दौलत, ये बिजनेस मैं अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी। क्या वाकई मामा जैसा कह रही हैं, वैसा हो सकता है? क्या आतिर मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगा? कोई है कोई इस घर में? तुम नहीं है इधर, कौन हो तुम लोग? बांधा हुआ क्यों मुझे? गांव में कौन सी जगह है? बहुत सवाल करते हो, ज्यादा शोर किया ना तो शोर करने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तू है कौन? क्या चाहता है मुझसे? क्यों लाया मुझे यहां? बता देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? आ गया खाना, इसके हाथ खोल और मेरे सामने खाना खिला, और ज्यादा चिड़चिड़ करे तो इसका मुंह बांध दियो। जी उस्ताद। जब तक आते रह नहीं जाते ठीक कैसे हो सकती हूँ सायरा? ठीक है, खुदा हाफिज। तुम इस वक्त क्या
आप मुझे देख के हमेशा यूं घबरा क्यों जाती? मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि आपकी तबीयत कैसी। बहुत फिक्र है मुझे आपकी। अब देखिए ना, पूरे घर में किसी ने भी आपके बारे में पूछा ही नहीं, आंटी ने भी नहीं। ठीक हूं मैं, तुम जाओ यहां से। इतनी जल्दी? अभी तो है, अभी तो आपको जी भर के देखा भी नहीं। हमाद, जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। आखिर आतिर में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, रुपया पैसा बड़ा घर और बहुत प्यार। हमाद, जाओ यहां से, वरना चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं अब तक सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर रही थी, इस थप्पड़ को मेरी आखिरी वार्निंग समझना। चले गए आप? प्लीज लौट आए। खाला, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं, कुछ नहीं खा रहा हूं। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में हो। खाया भी होगा या नहीं खाया होगा, कैसा होगा, कैसा होगा मेरा आतिर? अल्लाह ना करे वो जहां भी हो खैरियत से हो। अभी हमें उन्हें तलाश करना है, उन्हें ढूंढना है खाला, और उसके लिए आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। नहीं, मेरा अलग सीखने वाला भी नहीं उतरेगा। मुझे कुछ नहीं खा रहा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए बस।
मुझे मेरा बेटा चाहिए अलविया, मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए प्लीज प्लीज, आई वांट माय अदर बैग। पता नहीं आतिर कहां चला गया है। आपको बताया तो है कि पुलिस वालों का कहना है कि अगवा का केस लगता। अगवा का केस? अगवा का केस है तो किसी का तो फोन आता, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा खासा प्लान बनाया हुआ था कि आतिर के सामने उस तंजीला को तुम्हारे साथ बद किरदार साबित करके उसको हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल देती, लेकिन इस आतिर ने एन वक्त पे गायब होकर सारा प्लान ही चौपट कर दिया। वरना अब तक कम से कम इस तंजीला से तो जान छूट चुकी होती हमारी। और फिर मैं शगुफ्ता से कह के आतिर की शादी जारा से करवा देती। आप परेशान क्यों होती? आपका मकसद तो तंजीला को आतिर की जिंदगी से और इस घर से निकालना है। ये काम तो आतिर के वापस आ जाने पे भी हो सकता है। और अगर वो लौट के ना आया तो? ये अखवाकार भी ना बड़े बेहस होते हैं, कई दफा रैंसम का पैसा लेकर भी बंदे को नहीं छोड़ते, बल्कि जान से ही मार देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ये कितने वसूख से कैसे कह सकते हो? क्योंकि आतिर को अगवा मैंने करवाया। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो ना? अगर किसी को पता चल गया या पुलिस को खबर हो गई, जानते हो हमारे साथ क्या होगा? खुद तो तुम जेल की हवा खाओगे ही, साथ मुझे भी इस घर से निकलवाओगे। किधर जाऊंगी मैं अकेली औरत एक जवान लड़की को लेकर? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जिसके जिम्मे ये काम लगाया है वो कोई आम आदमी नहीं। सब कुछ बिल्कुल वैसे होगा जैसे मैंने प्लान किया। बस आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए। बहुत खुशी हो रही है बच्चों में, लेकिन बच्चे की खुशी में ये मत भूलो कि तंजीला ने कुछ वक्त फैसल के साथ गुजारा, इसलिए बच्चे को अपना नाम देने से पहले हकीकत को जरूर जान। आज के बाद तुमने इस तरह की कोई बकवास की, नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उस एक थप्पड़ के बदले न जाने कितने थप्पड़ हैं जो ये तस्वीरें हर लम्हा तुम्हारे मुंह पर मारती रहेंगी। उस एक थप्पड़ की कीमत तुम्हें सारी जिंदगी चुकानी पड़ेगी आतिर, वो भी सूद समय, और उसका सूद तुम अदा करोगे इससे शादी कर। हेलो, क्या अभी कैसे आतिर लापता हो गया? आतिर, अच्छा तुम इस बारे में पता लगाओ और जैसी कोई खबर मिले मुझे बताना। आतिर लापता हो गया, कहाँ जा सकता है आतिर? ऐसे कैसे हो सकता है? जी जी ठीक है, मैं आप ही के फोन का इंतजार कर रहा था। जी जनाब, बंदा आपका बिल्कुल ठीक है,
किसी ने हाथ भी नहीं लगाया उसे, लेकिन चूचा बहुत की उसने, हमने संभाल लिया उसको, वरना कोई और होता ना तो अच्छी खासी दुर्गत बना दी होती उसकी। तुम फिक्र ना करो, हमारा हिस्सा वक्त पे पहुंचा देना। हाफिज। जी उस्ताद जी। जाओ कंप्यूटर सिस्टम लेकर आओ, वो जिससे कॉल ट्रेस नहीं होती, और लाके मेरे फोन में कनेक्शन करो जल्दी। तंजीला, तुम फिर आ गए? क्या करूं तंजीला, तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता। तुम जितना खुद से दूर करती हो उतना तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता। देखो मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो या खुद से दूर ना करो मुझे। लगता है थप्पड़ का असर नहीं हुआ तुम पर। आने दो आतिर को, सब कुछ बताऊंगी उन्हें, फिर देखना क्या हशर करते हैं वो तुम्हारा। आतिर कहां से आएगा तुम्हारा आतिर तंजीला? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे वो। आतिर अब कभी नहीं आएगा तंजीला, क्योंकि मैंने उसे अपने इन हाथों से मार दिया। हमाद, ये नाजुक हाथ यूं किसी को मारने के लिए नहीं है तंजीला, ये हाथ तो है किसी का हाथ थाम कर चलने के लिए। देखो मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, क्योंकि आतिर को मैंने तुम्हारी जिंदगी से और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दी। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो तुम, तुम उन्हें नहीं मार सकते, तुम उन्हें नहीं मार सकते, वो जरूर वापस आएंगे, आते जरूर वापस आएंगे, समझे तुम, जरूर वापस आएंगे। बाजी तुम क्या हो गया आपको? वो हमाद कहाँ गया? वो अम्मा साहब तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप क्यों चिल्ला रही थी? नहीं बस, तुम जाओ, कुछ नहीं हुआ। बाजी मुझे पता है आप साहब की वैसे बहुत परेशान हैं, अब परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह वो जरूर वापस आ जाएंगे। जिस माँ का बेटा दो दिन से घर ना आया हो, अब कैसी हो सकती है? जी जी मैं समझ सकता हूँ। हमारे घर को तो जैसे किसी की नजर लग गई है। तुम इस कदर गिर चुकी हो आनिया कि तुम्हें इस बात का जवाब देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मोहब्बत में कौन नहीं गिरता, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। इस दफा मैं आतिर की जिंदगी में आकर रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, खुद आतिर भी नहीं।